Hello everyone, so today we are going to discuss epilepsy. Uh, we are going to cover its causes, its pathophysiology. इट्स डायग्नोसिस एंड इट्स मेडिसिन इस इस पूरे वीडियो में हम एपिलेप्सी डिस्कस करेंगे बट हम इसे बस ब्रॉडली uh, डिस्कस करेंगे हम इसे uh, बहुत ही माइन्यूटली नहीं डिस्कस करने वाले हैं हम सिर्फ uh, बेसिक जो मेकानिजम ऑफ एक्शन मतलब जो पैथोफिजियोलॉजी है कि एपिलेप्सी होती कैसे है हम बस उसे डिस्कस करेंगे और कुछ एक आध जो मेडिसिन है डायग्नोस्टिक टेस्ट हैं वो सारे डिस्कस करेंगे सो एपिलेप्सी टॉपिक है हमारा सबसे पहले हम देखेंगे कि एपिलेप्सी की डेफिनेशन क्या है मतलब एपिलेप्सी एक्जैक्टली exactly कहते किसको है सो so, यहाँ आपको डेफिनेशन दिख रही होगी मैं एक बार रीड आउट कर देती हूँ एपिलेप्सी इज़ अ न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर मार्क्ड बाय सडन रिकरेंट एपिसोड्स ऑफ सेंसरी डिस्टर्बेंसेस लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस और कन्वर्जनस एसोसिएटेड विद एबनॉर्मल इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी इन द ब्रेन अब आप लोग जानते हैं कि हमारे ब्रेन के अंदर इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी होती है अब इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी से आ, मतलब यहाँ है ये यह है कि जो न्यूरो से जो सिग्नल्स कंडक्ट होते हैं मतलब जो न्यूरोनल कंडक्शन होता है वो इलेक्ट्रिकली भी होता है तो जब वो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी नॉर्मल नहीं रहती या उसमें या तो वो एक्सेसिव हो जाती है या मतलब एबनॉर्मल हो जाती है तो ऐसी कंडीशन में एपिलेप्सी हो जाती है ये एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है और इसमें रेकरेंट एपिसोड्स होते हैं क्या चीज़ के सेंसरी डिस्टर्बेंसेस वही मैंने बताया जैसे जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी है वो नॉर्मल नहीं रहती डिस्टर्बेंस हो जाता है तो सेंसरी डिस्टर्बेंस होते हैं लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस कॉन्शियसनेस भी जा सकती है या फिर कन्वोल्जेंस भी आ सकते हैं और ये सब तब होता है जब इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी अब नॉर्मल हो जाती है कोई भी रीजन से तो ये एक बेसिक डेफिनेशन हो गई एपिलेप्सी की नेक्स्ट अब हम डिस्कस करते हैं कि कॉजेस क्या क्या है कॉजेस पहला हो सकता है जेनेटिक रीजन्स मान लीजिए आपके पेरेंट्स को है तो आपको भी हो जाए जेनेटिक रीजंस जो जनरली होते हैं सेकेंड है क्लॉट अगर ब्रेन में क्लॉट हो जाए ब्रेन के किसी पर्टिकुलर पोर्शन में क्लॉट हो जाए जिसके कारण जो आपके न्यूरॉन की एक्टिविटी है सेंसरी एक्टिविटी है वो प्रॉपर फंक्शन ना कर पाए थर्ड एड्स या फिर मेनेंजाइटिस मेनेंजाइटिस जो इन्फ्लमेशन होता है मैनन्जिस का जो हमारी ब्रेन की कवरिंग्स होती है अगर उसका इन्फ्लामेशन हो जाए उसका इन्फेक्शन हो जाए और इस कारण उसका इन्फ्लमेशन हो जाए तो भी हो सकता है या तो ट्रॉमा के कारण भी हो सकता है शॉक ट्रॉमा दोनों लिख सकते हो आप अब आ जाते हैं पैथोफिजियोलॉजी पे तो जो पैथोफिजियोलॉजी है एपिलेप्सी की उसको फ्लो चार्ट में हमने यहाँ पे दिखाया है तो सबसे पहले क्या होता है जो एक्साइटेट्री आयंस होते हैं वो इंक्रीज़ हो जाते हैं या तो फिर इनहिबिटरी आयन्स डिक्रीज हो जाते हैं आपको पता होगा दो टाइप के आयन्स होते हैं जब हमारा न्यूरॉन ये जब कंडक्शन होता है नर्व इम्पल्स का कंडक्शन होता है न्यूरॉन्स के थ्रू तो दो टाइप के आयन्स काम करते हैं एक एक्साइटेट्री होते हैं जो फंक्शंस को इंक्रीज कर देते हैं एक uh, इनहिबिटरी होते हैं जो डिक्रीज़ कर देते हैं अगर एक्साइटेटरी आयंस का लेवल बढ़ जाता है या फिर इनहिबिटरी का डिक्रीज़ हो जाता है तो uh, ये एपिलेप्सी स्टार्ट हो सकती है सेकेंड इसमें पॉइंट आएगा कि चाहे एक्साइटेटरी का इंक्रीज़ हो या इनबिटरी का डिक्रीज हो कंपैरिजन में जब एक्सेसिव एक्साइटेट्री आयंस आएंगे तभी एपिलेप्सी होने के चांसेस हैं थर्ड पॉइंट इज़ ओवर एक्साइटेशन ऑफ ब्रेन ओबियसली अब अगर एक्साइटेटरी आइंस ज़्यादा हैं उसकी कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है तो ब्रेन की जो ओवर एक्साइटेशन होने की पॉसिबिलिटी है देन द फोर्थ पॉइंट इज़ एबनॉर्मल न्यूरोनल एक्टिविटी या फिर न्यूरोनल मेम्ब्रेन की इंस्टेबिलिटी अब कोई अब आपको ये पता है किसी भी चीज़ का एक्सेस बुरा होता है कोई भी चीज़ हो अगर हमारे बॉडी में अगर अच्छी है तब भी वो एक लिमिट में अच्छी है ज़्यादा होना किसी भी चीज़ का बुरा ही होता है तो ओवर एक्साइटेटरी आइन्स अगर प्रेजेंट होंगे तो फिर जो न्यूरोनल एक्टिविटी है जो नॉर्मल न्यूरोनल एक्टिविटी है ब्रेन की वो एबनॉर्मल हो जाएगी या फिर उसमें इनस्टेबिलिटी आ जाएगी और फिर इसके कारण सीजर्स आ सकते हैं झटके आ सकते हैं और एपिलेप्सी के सिम्टम्स हो सकते हैं तो ये पैथोफिजियोलॉजी थी नेक्स्ट अब हम डिस्कस करेंगे डायग्नोसिस कि एपिलेप्सी का डायग्नोसिस कैसे करें और फिर उसके बाद हम मेडिसिन डिस्कस करेंगे तो एपिलेप्सी के डायग्नोसिस में ये दो तीन टेस्ट आते हैं जो जनरली कराए जाते हैं ई टेस्ट एम आर आई टेस्ट और सिटी स्कैन ये uh, तीन मेनली टेस्ट होते हैं मैंने फुल फॉर्म्स भी लिख दिए हैं Uh, और मेडिसिनस uh, में कौन सी मेडिसिन जनरली डॉक्टर डाइजेपाम और बारबिचूरीट्स प्रेफर uh, करते हैं uh, ये दोनों आपके गाबा पे वर्क करके इनिबिट्री एक्शन शो करेगा मतलब जो आपके ज़्यादा एक्साइटेटरी आयंस है उसको बैलेंस करने के लिए हम इनिबिट्री uh, ये मेडिसन्स देते हैं इसमें दो आती हैं डाइजेपाम और बार्बिच्यूरेट्स इसके अलावा एंटी सीजर और एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स देते हैं ये दोनों भी एंटी एपिलेप्टिक में ही आती हैं और भी कई सारी मेडिसन्स होती है कॉमनली डायजेपाम और बार्बीच्योरेट्स होती है डायजेपाम ज़्यादा यूज़ होती है बारबिच्योरेट्स के कंपैरिजन में तो दिस वाज़ ऑल थैंक यू सो मच अब नेक्स्ट वीडियो में हम कोई और टॉपिक uh, लेंगे और उसकी पैथोफिजियोलॉजी एंड uh, बाकी चीज़ें डिस्कस करेंगे थैंक यू